आमिर खान और करीना कपूर इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। ये बिग बजट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई नहीं कर पाई है। इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर महज 37.96 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, जो कि काफ़ी कम है। इस फिल्म के बजट की बात की जाए तो इस मूवी को बनाने के लिए मेकर्स ने 180 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, लेकिन ये फिल्म सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेंड कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 8वें नंबर पर है। आमिर की ये फिल्म यश की KGF 2 को हिला नहीं पाई। KGF 2 अभी टॉप पर बनी हुई है। साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 ने ओपनिंग वीकेंड पर 193.99 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जिसके चलते ये फिल्म टॉप पर बनी हुई है। मार्वल स्टूडियो की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने ओपनिंग वीकेंड पर 79.5 करोड़ रुपए कमाए थे। इसी के साथ ये फिल्म इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। रामचरण जूनियर, NTR, आलिया भट्ट और अजय देवगन की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म RRR ने ओपनिंग वीकेंड में 75.57 करोड़ रुपए कमाए थे। मार्बल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म थॉर लव एंड थंडर ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 64.80 करोड़ रुपए कलेक्शन किया था। कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 पहले 3 दिन में 55.96 करोड़ रुपए कमाए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन इस फिल्म ने पहले ओपनिंग वीकेंड में अच्छी कमाई की थी। इस फिल्म ने 39.40 करोड़ रुपए कमाए थे। आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा ओपनिंग वीकेंड में खास कमाई नहीं कर पाई है। 37.96 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 8वें नंबर पर है। वरुण धवन, नीतू कपूर और अनिल कपूर की फिल्म जुग जुग जियो ने ओपनिंग वीकेंड पर 36.93 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर 36.17 करोड़ रुपए कमाए थे। फिलहाल इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।